हाँ, तो आगे देखिए, पथ लंबाई दूरी का क्या मतलब है कि जैसे सपोज कीजिए कि मैं ए बिंदु पे था, ए पे, ए से बी में गया तो मेरी दूरी कितनी हुई, 4 किलोमीटर हो गई। फिर बी से मैं सी पे आया तो मेरी मैंने कितनी की दूरी तय करी, 2 किलोमीटर तय करी। और सी से डी पे आया मैंने कितनी दूरी तय करी, 4 किलोमीटर दूरी तय करी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टोटल कितनी दूरी तय करी, तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी आप कह सकते हैं ए बी पथ के बराबर, बी सी पथ के बराबर और सी डी पथ के बराबर होगी। मतलब 4 किलोमीटर प्लस 2 प्लस 4 कितनी हो गई, टोटल 10 किलोमीटर। तो ये दूरी हम तय कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ क्या कहलाएगा, कुल दूरी कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए और सी से डी तक गए, तो कुल जो पथ तय किया वही क्या कहलाएगा, कुल दूरी कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में, समयांतराल में तय की गई पथ की लंबाई, तय की गई पथ की लंबाई उस वस्तु की दूरी कहलाती है, उस वस्तु की दूरी कहलाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट है, यह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि के बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। वैसे अदिश का मतलब है कि जिसकी दिशा नहीं होती, तथा यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है, तथा और कह सकते हैं यदि वस्तु गतिशील है, यदि वस्तु गतिशील है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। उसके द्वारा तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है, और इसका मात्रक MKS पद्धति में मीटर तथा CGS पद्धति में सेमी होता है। तो ये दूरी के बारे में आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए विस्थापन, तो विस्थापन के बारे में देखिए। अभी हमने बात की थी कि मैं ए पे खड़ा था, फिर ए से मैं जाता हूँ बी पे, मैं 4 किलोमीटर चल रहा हूँ। फिर बी से मैं आता हूँ सी पे, मैं 2 किलोमीटर जा रहा हूँ। फिर सी से आता हूँ डी पे, फिर वापस मैं 4 किलोमीटर आ रहा हूँ। अब दूरी में हमने क्या किया था, दूरी में हमने टोटल जोड़ा था ए बी, बी सी और सी डी, इनको जोड़ा था। मतलब 4 प्लस 2 प्लस 4, मतलब टोटल हम चले थे 10 किलोमीटर, टोटल हम चले थे 10 किलोमीटर। ये हमने क्या करी थी, दूरी तय करी थी। अब दूरी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसका मान धनात्मक आया। आप कैसे भी देख लीजिए, आप चाहे आप ए से बी जाएंगे, चाहे बी से ए जाएंगे, आप 4 में प्लस ही करते जाएंगे, माइनस नहीं होगी, और इसका मान शून्य भी नहीं होगा। अगर कोई वस्तु ए से बी जा रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई दूरी तो वो तय कर रही है, तो शून्य भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए विस्थापन क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले मैं ए से बी था, फिर बी से सी गया और सी से डी गया, तो क्या और कोई रास्ता है जिससे मैं ए से डी तक पहुंच सकता हूं, तो
तो आप देखिए, पहला तो तरीका ये है कि ए से बी, बी से सी, सी से डी आ सकते हो। दूसरा तरीका है कि मैं ए से सी जाऊं और सी से डी चला जाऊं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं, हो सकता है कि मैं इस तरह से जाऊं। बताइए दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा तरीका सही है जिससे आप कह सकते हैं कि हम सबसे कम समय में पहुंच सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ए से डी तक ही जाओ। अब देखिए बी सी किसके समांतर है, ए डी के, तो कितना हुआ, ये भी 2 किलोमीटर हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि विस्थापन में हमने क्या किया, विस्थापन में हमने प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के बीच की दूरी ही देखी, हमने बाकी पथ को नहीं देखा, हमने इतना नहीं देखा, हमने किसको देखा, केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को देखा। मतलब विस्थापन वो चीज़ होती है जिसमें हम किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बता दें, अगर वो दूरी है तो ही हम क्या कह सकते हैं, विस्थापन होगा। अब देखिए विस्थापन जो होती है वो एक सदिश राशि होती है। दूसरा, विस्थापन का मान जो होता है वो दूरी से हमेशा कम होगा। देखिए दूरी हमेशा 10 किलोमीटर रहे, दूरी 10 किलोमीटर है, लेकिन विस्थापन कितना गया, तो कम ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और विस्थापन का मान 0 भी हो सकता है। सपोज कीजिए मैं ए पर गया, फिर बी से बी पर गया, फिर सी पर गया, फिर डी पर गया, वापस ए पर आ गया, तो पहले मैं किस पे था, ए पे, फिर लौट के किस पे आ गया, ए पे, तो इसका मतलब मैं कहीं गया ही नहीं, इसका मतलब मेरा विस्थापन 0 भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, देखिए इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, लिखिए किसी वस्तु द्वारा किसी किसी निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं, या इसकी एक परिभाषा और लिख सकते हैं आप, या किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अगला, यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा होती है, इसलिए इसे सदिश राशि भी कह सकते हैं। यदि वस्तु गतिशील है तो किसी भी समयांतराल में उसका विस्थापन 0 हो सकता है। ठीक है, और MKS पद्धति में इसका मात्रक मीटर तथा CGS में सेमी होता है। तो ये था दूरी और विस्थापन के बारे में। आगे हम बात करते हैं
आगे हम बात करते हैं औसत चाल औसत वेग। इसको आप कह सकते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब ये क्या होती है, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ए से भी गया ठीक है, फिर मैं क्या गया बी से सी गया, फिर सी से डी गया, यहाँ 4 किलोमीटर मेरे को मान लो 2 सेकंड लगी, फिर ये 2 किलोमीटर मेरे को 1 सेकंड लगी, फिर 4 किलोमीटर फिर मुझे 2 सेकंड लगी, तो इस पथ पर चाल अलग होगी, इस पथ पर चाल अलग होगी और इस पथ पर चाल अलग अलग होगी। अगर मैं ऐसा करूँ कि ए बी बी सी और सी डी तीनों की चाल एक साथ निकाल के, मतलब तीनों की दूरी जोड़ के और तीनों में समय का भाग दे दूँ, तो मेरी एक जो चाल आएगी वो क्या कहलाएगी, औसत चाल कहलाएगी। तो इसके बारे में देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चाल। चाल क्या होती है, चाल को बोलते हैं स्पीड। तो इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। चाल कहलाती है, अर्थात आप कह सकते हो कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हम दूरी को मापते हैं मीटर में और समय को मापते हैं सेकंड में, इसका मतलब हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। और इसकी विमा की बात करें तो दूरी को मापते हैं मीटर में, मतलब एल हो जाएगा, समय को टी में मापते हैं तो विमा एल टी माइनस वन। और यह एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है तो चाल भी एक अदिश राशि होगी। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। अब देखिए इसका हम आगे देखते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, वो 2 किलोमीटर चल 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, और उसमें जो उसको समय लग रहा है वो एक सेकंड के अंदर, वो या फिर ऐसे मान लीजिए कि 1 सेकंड के अंदर वो दो मीटर गई, फिर 2 सेकंड के अंदर 4 मीटर गई, 3 सेकंड के अंदर 6 मीटर गई और 4 सेकंड के अंदर वो 8 मीटर गई। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम, तो देखिए ये समय को प्रदर्शित करेगा और ये दूरी को, ये एक्स एक्स हो जाएगा और ये वाई एक्स हो जाएगा, ये जीरो और समय आप ले सकते हैं इसमें 1 2 3 4 और दूरी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 2 मीटर पे एक 2 मीटर 1 सेकंड में, फिर 4 मीटर 2 सेकंड में, फिर 6 मीटर 3 सेकंड में, फिर 8 मीटर 8। अब इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो देखिए, तो ये जो होगी ये कहलाएगी आपकी ढाल, ठीक है, इसको हम कहेंगे ढाल। अब सपोज कीजिए, तो हमें ग्राफ कैसा मिला, सीधा ग्राफ मिला। अब सपोज कीजिए ये ढाल कुछ इस तरह से हो, एक ढाल यहाँ हो सकती है और एक ढाल यहाँ हो सकती है और एक ढाल यहाँ भी हो सकती है। इसको मान लेता हूँ मैं S1, इसको S2, इसको S3, इसको S4। अब आप ये देखिएगा कि जो ढाल इधर है, मतलब इसको आप सॉरी इसको वाई एक्स मानिए, इसको एक्स एक्स मानिए, जो ढाल
ऊर्ध्वाधर अक्ष की तरफ जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी तीखी होगी, और जो ढाल क्षैतिज अक्ष की तरफ होगी वो उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो जो ऊर्ध्वाधर अक्ष की तरफ है वो उतनी ही क्या है, तीखी है, उसका वो उतनी ही ज़्यादा, उसका मान उतना ही ज़्यादा होगा, और जो क्षैतिज अक्ष की तरफ है उसका मान उतना ही कम होगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि एस वन, फिर उससे कम एस टू, फिर एस थ्री और फिर एस फोर, जहाँ एस क्या है, एस है चार, एस क्या होगी, चाल होगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, चाल की बात हमने करी, अब हम बात करते हैं एक समान चाल की। एक समान चाल, तो देखो एक समान चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वो एक समान चाल कहलाती है। कह सकते हैं यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल एक समान कहलाती है। इस स्थिति में वस्तु की चाल नियत होगी। आगे देखिए असमान या परिवर्ती चाल, असमान या परिवर्ती चाल का मतलब क्या है कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है। हम कह सकते हैं यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं ए बिंदु से बी बिंदु पर जा रहा हूं, अब मुझे कहा जाए कि इस पॉइंट पर आपकी क्या चाल है वो बताओ, तो इस पॉइंट पर जो चाल होगी, मतलब इस क्षण जो चाल होगी उसे क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक चाल। मतलब किसी बिंदु पर कोई जो चाल होगी उसे क्या बोलेंगे, हम तात्क्षणिक चाल कहेंगे। तो देखिए इस बिंदु पर टाइम का मान हो सकता है एक सेकंड, आधा सेकंड हो, उस बिंदु पर, उस बिंदु की बात की जाए तो उस बिंदु पे जो टाइम हो सकता है आधा एक सेकंड हो, तो उस समय जो चाल होगी वो तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। तो तात्क्षणिक जो चाल होगी, तात्क्षणिक चाल की आप बात करेंगे तो इसमें जो टाइम है वो कम हो रहा है, मतलब जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो की तरफ अग्रसर, मतलब बहुत ही कम हो सकता है, और इसको हम डेल एक्स बटे डेल टी लिख सकते हैं, जहाँ जो एक्स है वो है दूरी और टी आपका हो गया समय, टी हो गया आपका समय। ठीक है, ओके, आगे लिखिए, आगे देखिए कि अब जैसे हम बात करें औसत चाल की,
आगे हम बात करते हैं औसत चाल की। तो औसत चाल को कैसे बताएंगे आप? जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं ऐसे भी जा रहा हूँ 4 किलोमीटर, ठीक है, या फिर एक काम कीजिए 200 मीटर डाल दीजिए इसको, 200 मीटर में गया 5 सेकंड में, फिर बी से सी गया 100 मीटर 10 सेकंड में, फिर सी से डी गया 200 मीटर 5 सेकंड में, ठीक है। तो देखिए इसमें आप सबसे पहले ए बी की चाल निकालिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 200 मीटर और समय कितना है 5, कितना आ गया आपके पास आ गया है 40 मीटर पर सेकंड। बी सी की बात करेंगे तो बी सी में 100/10 कितना जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। सी डी की चाल कितनी जाएगी 200/5 मतलब 40 मीटर पर सेकंड। अब औसत चाल का मतलब तीनों को जोड़ दो तो आप औसत चाल की बात करेंगे। औसत चाल में कुल दूरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और टोटल टाइम जो आपका लगा, टाइम जो आपका लगा है कुल टाइम कितना है, तो कुल टाइम आप देखिए 5 सेकंड प्लस 10 सेकंड, ठीक है, और फिर यही आप लीजिए इसमें, इसको 2 कर लीजिए, 2 सेकंड कर लीजिए, तो आपको जो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब कितना हो गया प्लस 2 सेकंड, तो ये हो गया टोटल 100 + 200 + 200/17 सेकंड, तो आपके पास जो आंसर आएगा 500/17 मतलब 29.4 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगी आपकी इस पथ की औसत चाल कि ये व्यक्ति ए से बी तक इस औसत चाल से गया है 29.4 से बी से सी पे सी से डी पे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं वेग की। तो देखिए वेग, वेग को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो ये क्या होता है, देखिए चाल क्या थी दूरी बटा समय, तो वेग क्या हो जाएगा यदि कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे ही वस्तु का वेग कहते हैं, उसे ही वस्तु का वेग कहते हैं। तो जो वेग होता है आपका होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को मापते हैं मीटर में और टाइम को सेकंड में। अब इसकी जो विमा होगी ये विमा हो जाएगी, मीटर में मापते हैं एल से और साइन टी से, तो एल टी माइनस वन, और यह एक अदिश, यह एक सदिश राशि है क्योंकि विस्थापन सदिश होता है, तो यह है एक सदिश राशि है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं एक समान वेग की। तो देखिए एक समान वेग के बारे में, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है, समान विस्थापित होती है, समान समय अंतराल में समान विस्थापित होती है, हम कह सकते हैं उसे एक समान वेग कह सकते हैं।
और असमान या परिवर्ती या असमान वेग क्या होता है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित होती है हम क्या कह सकते हैं उसे? परिवर्ती असमान वेग कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं तात्क्षणिक वेग की। तो देखिए तात्क्षणिक वेग क्या होगा, तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग की हम बात करें, तात्क्षणिक वेग वही है, ठीक है, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट है इसलिए डी से शो कर दो और बटे टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं औसत वेग की। औसत वेग, औसत वेग क्या हो जाएगा? कुल विस्थापन बटे कुल समय, ये हो जाएगा आपका औसत वेग। अब इसके बारे में आप लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं एक समान गति की। एक समान गति को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए ये क्या होता है, एक समान गति क्या होता है कि अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं जैसे हम बात करेंगे कि कोई वस्तु है जो टी बराबर समय है उसका जीरो, फिर हो सकता है उसका वन सेकेंड, फिर हो सकता है उसका टू सेकेंड, फिर हो सकता है उसका थ्री सेकेंड, फिर हो सकता है उसका फोर सेकेंड, वो तय कर रही है दूरी जीरो एक जीरो दो मीटर चार मीटर छः मीटर आठ मीटर। तो इसका ग्राफ हम खींचेंगे तो ग्राफ देखिए, ये समय है
कि समय आप लीजिए 1, 2, 3, 4 और जो दूरी है इसको आप 1, 2, 4, 5 अब 0 पे 0 है तो ये हो गई, फिर 1 सेकंड पे 2 मीटर ये हो गया, 2 सेकंड में 4 मीटर तो ये आप कह सकते हो इस तरह से, 6 सेकंड में 3 और 8 मीटर 4 सेकंड में। तो इसका ग्राफ आप खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा आपको मिलेगा। तो ये आपका हो गया एक समान ग्राफ। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे, आगे हम कह सकते हैं कि माना कोई वस्तु इस प्रकार समय के साथ विस्थापित हो रही है, ठीक है, कि माना t=0 पे दूरी कितनी है s=0। अब मान लिया t1 सेकंड में y1 दूरी तय करती है, t2 सेकंड में y2 दूरी तय करती है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन सकता है, ठीक है। ये हो गया समय, ये हो गई दूरी, ठीक है, ये 0, ठीक है, ये मान लीजिए टाइम हो गया t1 और ये हो गया टाइम t2, ये हो गई आपकी दूरी s1 और ये आपकी हो गई दूरी s2। तो देखिए इसको इस तरह से मिलाएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाइए, ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं, सपोज कीजिए मैं यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींचता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये बिंदु हो गया सी, इसको मान लीजिए ए और ये लंब मान लीजिए 90 डिग्री एंगल, ये हो गया पी, इस कोण को मान लीजिए थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए इस हिसाब से देखिए, ये टोटल कितना है h2 और ये कितना है s1, तो ये कितना हो जाएगा, बड़े में छोटा हो घटाओ h2 - s1, इस तरह से ये टोटल कितनी है t2 और ये कितनी है t1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा t2 - t1। तो आप इसमें अगर tan थीटा निकालेंगे तो सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो इसका आप tan थीटा निकालते हैं, ठीक है, तो आप